पिछली बार हम तालमेल में थे नहीं। 2019 के चुनाव में हम महागठबंधन में नहीं थे। समय तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश के इस मोदी सरकार से देश को छुटकारा दिलाने के लिए जो भी कोई आएंगे उनका स्वागत। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान जमकर वो मोदी पर हमलावर हुए और उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले उनके इस बयान को सुनिए। नहीं, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। अब नीतीश जी सुनते हैं कि कहीं बाहर भी जाने वाले हैं, उनका क्या कार्यक्रम है, नहीं कार्यक्रम है, ऐसी कोई बात हमें लगता है कि नहीं है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि एनडीए का भी अभी तक महाराष्ट्र में और बिहार में उनका भी कोई साफ उनकी तरफ से घोषणा नहीं हुई है और हम लोगों के सीट को लेकर के बातचीत लगभग आखिरी चरण में है और हम उम्मीद करते हैं 2-4 दिन के अंदर। पिछली बार हम तालमेल में थे नहीं। ये बिहार में तो आप लोगों को बिल्कुल जानकारी है, 2019 के चुनाव में हम महागठबंधन में नहीं थे और ये पहली बार होगा जब महागठबंधन के उनका स्वागत करेंगे। इस समय तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश के इस मोदी सरकार से देश को छुटकारा दिलाने के लिए जो भी कोई आएंगे उनका स्वागत है। चिराग का स्वागत करेंगे, अगर आते हैं तो क्यों नहीं करेंगे। ये एक ये सवाल के लालू जी के परिवार को लेकर, मोदी जी के परिवार को लेकर के लालू जी की टिप्पणी के बाद क्या मोदी जी को अपने परिवार को लेकर के सफाई देनी चाहिए? सवाल हम तो कह रहे हैं, देखिए मोदी जी के जो मोदी, तो आपने सुना दीपांकर भट्टाचार्य को कि क्या कह रहे थे। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल सीट शेयरिंग को लेकर के किया तो उन्होंने कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग के लेकर के आप लोग सवाल कीजिए कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है और आने वाले समय में सीट शेयरिंग पर पूरी बात जो है आप लोगों के सामने आ जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हम महागठबंधन के साथ नहीं थे, लेकिन पहली बार हम महागठबंधन के साथ 2024 में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और इसका परिणाम जो है बिहार की जनता जरूर देगी और 2024 में महागठबंधन को अच्छी खासी सीट जो है बिहार से भी प्राप्त होने को है। आपको बता दें कि 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महारैली हुई जिसमें भाकपा माले ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कहीं ना कहीं हरे झंडे पे वो लाल झंडा जो है भारी पड़ता दिख रहा है। और इसके बाद दावेदारी की बात की जाए तो उसमें भी भाकपा माले के लोग ज्यादा कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।